हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो यस्टरडे वी डिस्कस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो दिया था अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोडवेज। आवर कंट्री हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। हमारे कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है रोड रोड का। तो नेटवर्क क्या होता है, जब भी कोई एक स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई एक ब्लॉक या एक टाउन या एक टाउन दूसरे सिटी या तीसरे सिटी से जब कनेक्ट होता है रोड के थ्रू, तो उसे हम नेटवर्क कहता है। हमारे कंट्री के अंदर कन्याकुमारी से लेके जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख तक क्या है, ये रोड है जहाँ हम कनेक्ट होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट। तो इसी चीज को हम क्या कहता है, नेटवर्क कहता है। द रोड्स आर आइदर मेटलिक और अनमेटलिट। तो रोड की दो टाइप्स होता है, एक मेटलिट होता है एक अनमेटलिट होता है। मोस्ट रोड इन सिटीज एंड टाउन्स आर मेटलिट। जब भी देखो आप, ज्यादा से ज्यादा जो रोड होता है सिटी के अंदर टाउन के अंदर वो क्या होता है, मेटलिट होता है। दे आर मेड अप ऑफ स्टोन सीमेंट एंड टार। मेटलिट रोड वो रोड होते हैं जो किससे बना होता है, स्टोन से बना होता है, सीमेंट से बना होता है और तार से बना होता है। तार मीन्स यानी कि ऊपर जो काला सा कोयला टाइप का हम बिछाते हैं ना, उसे कहते हैं हम तार एंड कोल। तो ये चीज होता है ज्यादा से जो सिटी के अंदर टाउन के अंदर जो भी रोड बनता है वो मेटलिट होता है। तो मेटलिट वो रोड होता है जो किससे बना होता है, स्टोन से बना होता है, सीमेंट से बना होता है और तार से बना होता है। उसके बाद दूसरा टाइप्स अनमेटलिट रोड। रोड्स आर जनरली फाउंड इन विलेज। अमूमन जो अनमेटलिट रोड है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो गांव के अंदर पाए जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड इन इंडिया आर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान के अंदर, वो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे रोड्स। जो नेशनल हाईवे एक पूरे एक शहर एक स्टेट को कनेक्ट करते हैं और स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करते हैं, वो हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड्स हैं हिंदुस्तान के अंदर। द नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड अदर बिग सिटीज एंड टाउन। जो हमारे नेशनल हाईवे से वो कनेक्ट करते हैं हमारे स्टेट कैपिटल्स को और दूसरे बड़े बड़े सिटीज टाउन्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं। द स्टेट हाईवे कनेक्टेड सिटीज। जो स्टेट हाईवे है वो कनेक्ट करते हैं सिटी और टाउन को कनेक्ट करते हैं। विद इन ए स्टेट, एक स्टेट के अंदर स्टेट हाईवे है, एक स्टेट के अंदर विद द नेशनल हाईवे, फिर वो मतलब एक तो सिटी और टाउन को कनेक्ट करते हैं और स्टेट के अंदर और साथ ही साथ नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द रोडवे। तो ये चैप्टर ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद रेलवे।